सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मतलब जब से हम पैदा हुए हैं, जब से भी हम पैदा हुए हैं, या मतलब जब से भी हमने होश संभाला है, हमने अलग अलग तरह के फोन देखे हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन के फोन देखे हैं, या अलग अलग तरह के स्पेसिफिकेशन वाले फोन देखे हैं, अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरह की मतलब AI वाले फोन देखे हैं। लेकिन आज जो मैंने फोन देखा ना, वो लिटरली मैंने कहीं नहीं देखा था। मतलब अभी तक तो नहीं देखा था अपनी पूरी जिंदगी में। अक्का लाइफ में मैं जितना भी बड़ा हूँ, अभी आपके सामने बैठा हूँ, जितना भी हूँ, अक्का लाइफ में आज से पहले मैंने वो चीज नहीं देखी थी, या फोन वो वाला नहीं देखा था। मतलब उसके अंदर मुझे समझ नहीं आया कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर ली। मतलब सबसे पहले जो मैंने वो फोन को देखा, तो मैंने वेरीफाई किया कि क्या वो सच में है ऐसा फोन, क्योंकि जो ये फेक न्यूज है यार, वो बहुत आ रही है आजकल। फेक न्यूज जो बंदे हैं या कुछ भी है, कोई भी है, बहुत निकालते हैं। तो दैट्स वाई मैंने सबसे पहले चेक करा, जो मेरा सबसे पहले काम था, कि मतलब ये सच में ओरिजिनल है या कोई भी ऐसे ही कुछ भी बना के डाल दे रहा है। क्योंकि एक कंसेप्ट आया था एप्पल का, कार का, तो एप्पल के बस लोगो लगा के पता नहीं लोग कौन कौन सी कारें दिखा दे देते हैं यार, कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब एप्पल का कंसेप्ट है कार का, बनाएगी वो, हुंडई के साथ कोलैब करके, किया के साथ कोलैब करके बनाएगी वो कार, लेकिन यार मॉडल ही समझ नहीं आता है। मतलब क्या है भाई, कोई भी बना दे रहा था कि एप्पल की कार मतलब ऐसे करके चार्ज हो जा रही है, कैसे करके चार्ज हो जा रही है, कुछ भी हो रहा था ऐसे। मतलब कार उठ जाएगी फिर बैटरी लेके चार्ज जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट अब जो मैंने सही में देखा, इसीलिए मैंने सबसे पहले चेक करा, कि फिर मुझे सच में मैंने पाया कि हाँ, जब मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी कि हाँ ये फोन सच में आएगा यार, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात लगी, एक ही बात निकली इस फोन को देख के, वो थी अमेजिंग। इट्स रियली अमेजिंग कि मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या, ये फोन मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या। यही देख देख के, मतलब यही देख देख के, यही सोच सोच के मैं बोल रहा हूँ बस, कि क्या है यार, ये ऐसा भी फोन हो सकता है क्या। जब मैंने इस फोन को देखा, तो मैंने देखा कि यार इसमें डिस्प्ले डिस्प्ले है, कोई बेजल सी नहीं है, क्या ऐसे भी हो सकता है क्या। इस फोन के बारे में थोड़ा डिस्कवर तो करा, तो मैंने पाया कि मतलब जब शाओमी ने इस फोन को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, तो उससे जस्ट पहले उन्होंने 27 या 20 अराउंड 28 के अराउंड पेटेंट जो है वो रजिस्टर करवाए इसी फोन को लेकर, इसकी क्वालिटी, इसकी डिजाइन, या अलग अलग चीजों के अलग अलग पेटेंट्स इन्होंने रजिस्टर करवाए, उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में इस फोन को। क्योंकि क्या पता कोई इनका जो आइडिया है वो कॉपी ना कर ले, या कुछ भी, जैसे प्ले स्टेशन के साथ सीन हुआ था, प्ले स्टेशन 5 के साथ जो सीन हुआ था पेटेंट वाला, उसी से डरने के चक्कर में उन्होंने पहले ही पेटेंट रजिस्टर करवा लिया है इसका, तब जाके इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। बाकी ये जो फोन होगा, जब भी आएगा, मतलब अभी नहीं कह रहा मैं इसी साल आए या अगले साल गए, ये फोन फोन ऑफ द ईयर रहेगा उस साल का, जिस साल भी ये लॉन्च होगा। बाकी अभी तो ये शायद ही आए, मुझे तो लगता है जहां तक ये अभी इस साल नहीं आएगा, जहां तक मुझे लगता है, बाकी मुझे पता नहीं, जब भी आएगा वो फोन ऑफ द ईयर रहेगा। मतलब हम इस फोन को देखकर उम्मीद यही करते हैं कि जो इसकी स्पेसिफिकेशन होगी वो मतलब औसम होगी, फुल टू फुल औसम होनी चाहिए इस फोन की तरह। जैसे कि मान लो 12 नहीं तो 8 GB रैम होनी चाहिए, 865+ इसका प्रोसेसर होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या क्या मैं मांग रहा हूँ इस फोन से, कि मतलब बेहतरीन बनना चाहिए, तो पूरी तरह से बेहतरीन हो। यू ना कि आप इसमें 6 GB रैम देके टरका दो, स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देके टरका दो, ऐसा कुछ नहीं। डिस्प्ले तो जैसे कि आपको पता ही, डिस्प्ले डिस्प्ले है, वाटरफॉल डिस्प्ले है, वैसे लेस डिस्प्ले है, तो कुछ कहने को है नहीं। बाकी इसकी जो FHD डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है इसकी, तो कोई दिक्कत वाली हमें बात आने वाली है नहीं। डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट की कमी नहीं होगी, फुल टू फुल गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, वाटरफॉल है, बेजल लेस है यार, और क्या कौन। बट हाँ, इसमें एक देखने की बात है, जो डिस्प्ले है वो पूरी डिस्प्ले तो है, बट जो साइड साइड में है ना, जैसे कि इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर डिस्प्ले नहीं है, इधर प्लास्टिक का, पॉलीकार्बोनेट का जो मटेरियल है वो यूज किया गया है, ताकि क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है वो फोन का ज्यादा डैमेज होने का मतलब चांसेस उसके ज्यादा होते हैं डैमेज होने के। आप अपना फोन उठा के देख लेना, यहाँ यहाँ से, यहाँ यहाँ से ज्यादा डैमेज मिलेगा। आप अपना फोन उठा के देखो अभी, अगर मेरी तरह आपकी कंडीशन है, 2-3 साल पुराना हो गया है, तो ज्यादा डैमेज वो यहाँ से होगा। और ना जब यहाँ से एक बार फोन फूटता है ना, तो पूरी स्क्रीन पे चला जाता है। शायद ये वाला कंसेप्ट सोच के उन्होंने, क्या पता, इधर रखा पॉलीकार्बोनेट का जो मटेरियल है वो यूज करा। बाकी जहां तक मेरा सिक्स सेंस ने बताया ये काम, क्या पता उनके कुछ और सोचा, बाकी वो चाहते तो पूरी डिस्प्ले रख सकते थे, इतनी रख दी तो उतनी में क्या, कुछ तो सोच के नहीं रखा होगा ना। एंड अगर आप नोटिस करोगे एक चीज और, तो उसमें एक ही कैमरा है, इतना बड़ा कैमरा है, एंड उस कैमरे से आप सब कुछ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड कर सकते हो, डेप्थ कर सकते हो, नाइट मोड कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, 50x जूम या 80x जूम, जब भी वो पता चलेगा उस, इतना ही 50x तो होगा,
50x तो होगा। बाकी आजकल जैसे कि आपको देख रहे हैं लोग कैमरे ही कैमरे भर दे रहे हैं, एप्पल 3 से ज्यादा नहीं गया, बाकी सारे के सारे लोग कैमरे कैमरे में आ जा रहे हैं, कैमरे कैमरे ठूस दे रहे हैं, भर दे रहे हैं। शाओमी ने एक कंसेप्ट निकाला था कि हम कैमरे कम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगा, क्या पता करे ना करे या बोलने के लिए कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता था सच में ये कैमरे कम ही कर देंगे। इन्होंने एक ही कैमरा रखा, इतना बड़ा रखा, वीवो V20 का जो कैमरा है कुछ ऐसा कैमरा है इसका। बाकी जो मतलब मैंने जब देखा, मतलब इसका जो कैमरा होगा वो प्रोफेशनल कैमरे की तरह होगा। पहली बात मेगापिक्सल ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा मेगापिक्सल होगा, और जो प्रोफेशनल कैमरे में आप सारे फीचर्स मिलते हैं ना एक ही लेंस के अंदर, ऐसा ही कुछ इसके अंदर होने वाला है। ये फोन काफी गजब होगा जब भी आएगा, मुझे तो फिक्स लग रहा है ये फोन काफी गजब होने वाला है जब भी आएगा। कमेंट में जरूर बताना आपको मतलब कैसा लगा, क्या आपको आप इस फोन को यूज करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। मैं तो जरूर यूज करना चाहूंगा, अगर मेरे को मिला तो मैं जरूर परचेज करूंगा इस फोन को। तब तक मैं यही चलाऊंगा, जानबूझ के यही चलाऊंगा, क्योंकि मुझे बचाना है पैसा, और वो फोन जरूर लूंगा, मैं लूंगा नहीं तो चलाऊंगा तो पक्का अपनी जिंदगी में एक से दो बार, क्योंकि यार फील करना है यार Xiaomi के फोन में से कौन सी प्रीमियमनेस आती है हमें, क्योंकि बड़े बड़े जो महंगे महंगे फोन है उनमें तो अलग ही प्रीमियम आती है, जो Xiaomi के फोन जो महंगे महंगे लेंगे उसमें कैसी प्रीमियम आएगा, फील करना है उसको। बाकी यही था वीडियो में, मिलते हैं जब तक के लिए, गुड बाय। हाँ, सजेशन जरूर करना आपको लियोगे कि नहीं लोगे, और ये फोन कैसा लगा लिटरली जरूर बताना।